शार्दुल के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मुश्किल में फंसी टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 58 रनों की बढ़त। अब अनुभवी के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर और कैसा रहा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का हाल, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन शार्दुल ठाकुर के नाम रहा। ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट चटकाकर भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया। अफ्रीका को 229 रनों पर आउट करने के बाद तीसरे सेशन में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी, जहां शुरुआत में ही भारत को केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के रूप में 2 बड़े झटके लगे। लेकिन फिर से एक बार तेज गेंदबाजों के सामने मयंक अग्रवाल ने 23 रन के स्कोर पर अपना अहम विकेट गंवा दिया। उन्हें ओलिविया ने LBW आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद भारत को दूसरा झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जो महज 8 रन बनाकर मार्को जेनसन का शिकार बने। लेकिन इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी की, जहां पुजारा को डिफेंड करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने 5 चौके के साथ 35 रन नबाद बनाए हैं। वहीं उनके पार्टनर रहाणे भी 11 रन बनाकर नबाद हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए हैं और 58 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली है। साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे दिन की शुरुआत 35 रन पर 1 विकेट के स्कोर के साथ की थी। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने विकेट के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन तभी पहले सेशन में 3 विकेट लेकर शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया की मैच में शानदार वापसी कराई। इसके बाद दूसरे सेशन में भी शार्दुल ठाकुर का कहर जारी रहा और उन्होंने अफ्रीकी पारी के दौरान 7 विकेट चटकाकर अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग फिगर भी हासिल कर ली। इस दौरान डीन एलगर 28, कीगन पीटरसन 62, वांडर डुसेन 51, वेरेने 21, मार्को जेनसन 21 और लुंगी एंगिडी बिना खाता खोले ही शार्दुल ठाकुर का शिकार बने, जबकि जसप्रीत बुमराह के खाते में 1 सफलता केशव महाराज के रूप में रही। केशव महाराज ने 21 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने पहले दिन एडम मार्करम को आउट किया था और दूसरे दिन उन्हें कसिगो रबाड़ा का विकेट भी हासिल हुआ। इस तरह मेजबान टीम ने पहली पारी में 229 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 27 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। शार्दुल ठाकुर ने न केवल अपने टेस्ट करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल किया है, बल्कि ये वॉन्डर्स के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों द्वारा किया गया सबसे बेस्ट प्रदर्शन है। लॉर्ड शार्दुल की चारों ओर उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए सराहना भी हो रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।